हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और टेंशन का मेन जो वजह है वो है मेरा जिस ऐप से मैं वीडियो एडिट करती हूँ वो, मतलब कि उसमें लॉक लग गया था और मेरा स्टार्टिंग से आदत हो गया है इसी ऐप से एडिट करने का। मतलब 3 साल से ऊपर से मैं वीडियो ब्लॉग कर रही हूँ और वीडियो एडिट कर रही हूँ, बट तब से लेकर अभी तक मैं इसी एक ही ऐप से करते आ रही हूँ, एडिट करते आ रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा हाथ बैठ गया है एक ही ऐप पे। अब किसी दूसरे ऐप यूज करना और उसमें सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और इतना टाइम मेरे पास है नहीं। कई बार आप लोगों ने पूछा है कि ये 5 फ्रॉन क्या बोलते हो आप, 5 फ्रॉन क्या होता है, किसको बोलते हो 5 फ्रॉन? तो वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, बट आज मुझे ये पैकेट दिख गया तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। या देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 5। और ये दिखा क्यों? क्योंकि बाबू इसको लेकर के फेंक रहा था, है ना कृष्णा? तुम इसको फेंक रहे थे ना? हाय कर रहा है, हाय करो, हाय मेरा बुल्लू, हट जा। और मैं अभी बना रही थी चाय, पता नहीं चाय का क्या हो गया होगा। ओ ओ हो, एक कप चाय बन गया आधा कप। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं तो मैं सोच रही थी कि कैसे क्या गया। ओहो, ये देखो ये क्या कर दिया सत्यानाश, दही को गिराया है। कैसे गिरा, क्या हुआ था? क्या दही गिर गया है? देखो मम्मा को कितना काम लगा दिया, पूरा अभी साफ करना पड़ेगा। क्या किए बेटा? चलिए आप बाथरूम में जाइए, तो बाथरूम में जाइए जल्दी। बाप रे, तो पूरा डायपर वाइपर सब में लगाया हुआ है। ये देखिए इस लड़के को, 1 मिनट 1 सेकंड में कांड कर देता है। हाँ। 1 सेकंड में कांड कर देते हो ना? क्या क्या ये क्या है, ये क्या है, किसका सूच पहन लिए हो? बोलो दीदी। दीदी का कृष्णा चिड़िया कहाँ है? चिड़िया बोलो, चिड़िया। और ये क्या कर लियो, पूरा गंदा गंदा कर लियो हो? बोलो, ऐसे कौन करता है ये बताओ। चल सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। मम्मा को बस परेशान करते रहता है। अभी बताओ, पोछा लगाना पड़ेगा ना मम्मा को? इधर देखो, मम्मा को पोछा लगाने पड़ेगा ना, मम्मा को पोछा लगाना पड़ेगा ना। क्या किए हो बताओ ना। बोलो दही गिर गया, दही। बोलो द द द दादा, दादा बेटा हो गया मेरा, सुखड़ा बेटा, सुखड़ा। ए शुको, ये क्या किए हो? गिर गया है, मम्मा साफ करेगी।
सब बस बिना काम का काम लगाया जा रहा है। जैसे पांच फ्रॉन मैं दिखाई हूँ वो भी वो छीट रहा था, तब मैं आप लोगों को दिखाई हूँ, जैसे कि देख सकते हो अभी इसको ठीक भी नहीं की, पूरा छीट रहा था तो मैं लेके वो की। और पता है इतना सा काम करने में मेरा सर दर्द हो गया सा। बस मैं चाय अपना थोड़ा सा पी लूँ। चाय का मजा जो ऐसे में किरकिरा हो रहा था, मैं ऐसे से चाय बना रही थी, वो ये तो दया आता है कि उसको फिर और बनाओ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नहा कर आ गई हूँ, अब थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, बाबू सोए हुए हैं। सवाए 11 हो चुका है। तो गाइज मैं गई थी मीठी को लाने, मीठी को लेकर के आ गई, बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा गर्मी, और लेकर के आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मीठी को सुला रहा था बाबू, उसका रिकॉर्डिंग कर रही थी, और बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यार वीडियो एडिटिंग करने में। बहुत मतलब 2-3 ऐप ट्राई की हूँ और नहीं हो पा रहा था, दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा ये हो गया था, बहुत माथा पेची हो गया था। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, 5-6 आदमी से पूछी हूँ कि मतलब ऐसा हो रहा है क्या, तो सब ने बताया नहीं, बस मेरे साथ ही ये सारे मुसीबत होते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक मुसीबत लगा ही रहता है। तो फिर बहुत कोशिशों के बाद फिर ये सब ठीक हुआ है, पता नहीं आगे सही रहेगा या नहीं रहेगा। Thank you.
तो यहाँ पे मैं सारा बर्तन धो रही थी। शाम का बर्तन मैं खुद धोती हूँ, सुबह में मेड आती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके जाती है। और आप लोगों को तो पता ही है, जब घर में दो बच्चे हैं तो बर्तन तो वैसे ही हो जाता है, दो चार ग्लास, दो चार कटोरा, प्लेट, ये वो, और घर के और भी कुछ बर्तन होते हैं। तो मैं शाम में तो बर्तन हो ही जाता है, तो वो सारा साफ़ कर लेती हूँ। और फिर जो रात से जो भी होता है यूज, वो सारा सुबह में रह जाता है, जो कि वो मेड साफ़ करती है। तो सारा बर्तन वगैरह धुल गया है, और उसके बाद मुझे दूध बॉयल करना था, जो कि मैं आजकल गाय का दूध ले रही हूँ बाबू के लिए। तो कभी कभी ना फट जाता है, कि पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है, उतना दूर से लाता है इस वजह से, या फिर बॉटल इधर उधर हो जाता होगा, रह जाता होगा दूध वजह, मतलब किसी भी वजह से, लेकिन फट भी जा रहा है। तो बस वही दूध बॉयल के लिए चढ़ा दी हूँ शाम में। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो कि मुझे निकाल करके वॉशिंग मशीन में से और डालना था, तो ये सब मैं करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।